नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पार्ट नाइन। अब देखिए पार्ट नाइन कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहले आप ये सोचो कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। इन्होंने क्वेश्चन में दिया था 1.05 × 9.5 ऐसा दिया था। मैंने क्या किया पहले स्टेप में समझिए, मैंने लिखा इसको 1.05 × 9.5। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने इसको लिख लिया। अब आइडेंटिटी लगानी है तो कैसे लगाएंगे बात समझो। हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में रखा, ठीक। या एक काम और करते हैं, पहले इसके पहले सुनो, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 1.05 है। और ये अगर यहाँ पे क्या होता, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन होता 1.05 × 0.95, तब आपकी बात बच्चों यहाँ पर बन जाती, तब बात बन जाती। लेकिन ये 9.5 है बच्चों, अगर 0.95 होता तो बात बनती। कैसे बताऊँ, देखो 1.05 को क्या लिखते हैं आप, 1.05 को आप क्या लिखते हैं, 1.00 प्लस 0.05। यस सुनो भाई, चेक कर लो ना, 1.00 का मतलब 1 होता है, इसमें अगर आप ऐड करोगे 0.05 कितना हो जाएगा, 5 + 0 = 0.1। तो 1.05 को 1.00 प्लस 0.05 आप लिख लेते हैं। इसी तरीके से आप 0.95 को क्या लिखते हैं, 0.95 को आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 1.00 माइनस 0.05। क्यों, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1.00 में से अगर हम लोग माइनस करें 0.05 क्या आएगा, चेक करो, 10 - 5 = 5, यहाँ पे बचेगा 9 - 0 = 9, यहाँ से 1 कैरी चला गया, 0 - 0 = 0.95, तो आपकी बात बन जाती है। लेकिन सवाल ऐसा है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हम क्या लिखते, 1.05 की जगह 1.00, ठीक है, 1.00 का मतलब 1 होता है, तो 1.00 का मतलब 1 प्लस 0.05 हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक। सो 1 प्लस 0.05 इंटू 0.95 की जगह हम क्या लिखते हैं, 1.00 का मतलब 1 माइनस 0.05 हम ऐसा लिखते हैं। सो 1 माइनस 0.05 हम ऐसा लिख लेते हैं। और सवाल हो जाता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 0.05 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, 9.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक काम कर सकते हो, क्या ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों एक बात बताइए, 9.5 को क्या आप 0.95 × 10 नहीं लिख सकते हो, दिमाग लगा लिया हमने, 9.5 को हमने क्या लिखा, 0.95 × 10, बस। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि अगर आप 0.95 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 9.5 ही तो आएगा। करके दिखा दें, देखिए 0.95 × 10 अगर टेन करेंगे तो एक जीरो है, तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर चला जाएगा, बस 9.5 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 9.5 को लिखने का तरीका 0.95 × 10, बस। अब सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा, देखिए जरा कैसे, यहां से हो गया 1.05 × 9.5 को बच्चों क्या लिखना है, समझिए जरा 9.5 को क्या लिखना है, 9.5 की जगह आपने क्या लिखा, 0.95 × 10, सो 0.95 × 10, करेक्ट बच्चों, 9.5 की जगह 0.95 × 10, बस सिंपल, ठीक। अब सुनो 10 को बाहर रहने दो, इन दोनों को ध्यान से चेक करो, ठीक ठीक। अब आप देख लो, या आप ऐसे देखो, यहां एक ब्रैकेट लगा दो, नेक्स्ट स्टेप में कर दो, चलो 1.05 को ब्रैकेट में लो, इंटू 0.95 को आप ब्रैकेट में लो, इंटू 10 को आप यहां लिखे रहने दो, ठीक ना। 1.05 की जगह 1.05 की जगह 1 प्लस 0.05, ओके। सो 1 प्लस 0.05 इंटू 0.95 की जगह 0.95 की जगह 1 माइनस 0.05, ओके। सो 0.95 की जगह 1 माइनस 0.05 और इंटू में 10 तो है ही, करेक्ट। कॉपी करिए, इतना कॉपी करें सभी बच्चे। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां से यहां तक क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह क्या आ रहा है 1 और b की जगह क्या आ रहा है 0.05, है ना, दिख रहा होगा, a की जगह 1 माइनस बी की जगह 0.05, ओके। तो इन दोनों में लगेगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। सो ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, ध्यान देंगे प्लीज, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ओके।
इंटू में 10 भी है बाहर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 0.05 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में करिएगा क्योंकि 10 बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 10 मल्टीप्लाई करेगा। ओके नाउ सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ठीक माइनस, अब ध्यान दें 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0.05 इंटू 0.05, टू से मत मल्टीप्लाई कर देना, 0.05 का स्क्वायर मतलब 0.05 इंटू 0.05 क्या हो जाएगा, 5 5 जा होता है 25, अब पीछे से देखो टू डिजिट यहां पे 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो कितना हो गया टोटल 2 डिजिट टोटल हो गया 4 डिजिट। ओके तो 5 2 1 0 दो जीरो और बढ़ाएंगे और यहां डेसिमल लगाएंगे और यहां पे आएगा जीरो, क्यों, क्योंकि पीछे से 4 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, टोटल 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 और यहां डेसिमल 0.0025। ओके यानी कि 0.05 का स्क्वायर कितना हो गया 0.0025। ओके ये हो गया नौ, अब इंटू में 10 है, ये आपको समझ में आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.05 का स्क्वायर 0.0025 ये ब्रैकेट में इंटू में 10 इंटू में 10। ओके अब सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखिए स्टूडेंट्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 को आप पॉइंट लगा के कितने भी जीरो बढ़ा दो, कितने बढ़ाओगे 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, सो 1 को हमने क्या लिखा 1.0000 माइनस 0.0025 इंटू में 10। अब 1 में से यानी कि 1.0000 में से हमें माइनस करना है 0.0025, सो 0.0025। ओके नाउ माइनस करिए और 1 एक बड़ा नंबर है ये छोटा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके 10 माइनस 5 5 यहाँ बचेगा 9 9 माइनस 2 7 यहाँ बचेगा 9 9 माइनस 0 9 9 माइनस 0 9 अ पॉइंट और 1 कैरी चला गया 0 माइनस 0 0 सो 0.9975 सो 0.9975 इंटू में 10। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना किसको नहीं आता है, बहुत इजी, क्या करेंगे ये वाला पॉइंट 1 प्लेस राइट में जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद, क्यों, क्योंकि 10 के पास 10 है तो 1 प्लेस हम पॉइंट को 1 प्लेस राइट में भेज देंगे, सो 09 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा यहाँ। ओके यानी कि 9.975 हो जाएगा और 9 के आगे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं तो इसको हम हटा देंगे, तो 9.975 ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आप एनसीईआरटी से बच्चों इसको मैच भी कर सकते हैं, मैं भी मैच कर लेता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, 9.975 बिल्कुल सही है। ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़।